हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस एकेडमी। मैं भेशमणि सिन्हा आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स क्लास की आज क्लास थर्ड लेके आया हूँ, जिसमें हम पिछले हफ्ते में हुए सारे करंट्स नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, बी कोरोना वायरस, सी प्लेग और डी हैजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलेरिया। चलिए इस दवा के बारे में कुछ जानते हैं। हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत रहा था, पहले ये जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा था। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने ये घोषणा किया था कि इस दवा का निर्यात बैन किया जा रहा है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट निकाला और कहा कि अगर भारत इस दवाई का निर्यात नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद भारत ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि 15 अन्य देशों को भी यह दवाई निर्यात किया। और रही बात इस दवा का कोरोना वायरस से जुड़ने की, तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रिकमेंड किया कि यह दवा उन लोग को दिया जाए जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, जो कोरोना पेशेंट्स हैं उन लोग को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको दिया जाए दवा। और ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनको इनिशियल स्टेज में भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्थान ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की और IIT खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अमर, बी जीवन, सी आशा और डी उम्मीद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी जीवन। चलिए इस वेंटिलेटर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, वेंटिलेटर जो इंडियन रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है और ये वेंटिलेटर जो है कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना जो आपके पंजाब में स्थित है वहाँ से बना। इसकी कीमत को अगर देखें तो यह 10,000 रुपये है, जो नॉर्मल जो अभी ले रहे हैं उसकी कीमत होती 5.5 लाख, तो उसके कंपेयर में ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए 5G प्लानिंग की गई है? आपके ऑप्शन है गुजरात, बी गोवा, सी मुंबई और डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी दिल्ली। देखिए, 5G प्लानिंग है तो 5 टी का अलग अलग मीनिंग है। तो इसके मीनिंग है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। इसके साथ ही एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि ऑपरेशन शील्ड नाम से भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है दिल्ली में, तो उस ऑपरेशन शील्ड का भी एक सेपरेट नाम है। तो S से होगा उस इलाके को सील किया जाए, H से होम क्वारंटाइन किया जाए, I से आइसोलेट एंड ट्रेस किया जाए, E से एसेंशियल थिंग्स की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, L से लोकल एरिया को सैनिटाइज किया जाए और D से डोर टू डोर हेल्थ चेकअप किया जाए। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कोरोना लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी UP और डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने सबसे पहले यह घोषणा किया था कि वो लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो पंजाब उसमें सेकंड पे है। और एक चीज़ और, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि सभी व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है, उड़ीसा भी वो पहला राज्य था जिन्होंने ऑर्डर निकाला था कि मास्क सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जुड़ा पहला पशु संक्रमण केस कहाँ पाया गया? आपके ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, जापान एंड जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अमेरिका। चलिए इस केस के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, अमेरिका में ब्रोंक्सी जू स्थित है, मतलब ये जो केस है वो ब्रोंक्सी जू नाम के जू से आया है और वहाँ की जो टाइग्रेस है बाघिन उसको कोरोना केस मतलब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। रिसर्च से ये पता चला कि वहाँ के जो गार्ड थे उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव थे तो उनसे उनको फैला है, ये पता चला है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
आईक्यू एयर के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है? अभी अभी ये रिपोर्ट जस्ट आया है, तो इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शंस है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए एंड बी बोथ न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछे जाते हैं डे के हिसाब से। जैसे 2017 में पूछा गया था कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को आप करेंट से, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे आप कवर करते जाएंगे, तो ये सब आपको याद हो जाता है। अलग से आपको एंड के दिनों पर रटने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 7 अप्रैल। आपको एक चीज और याद रखना है कि इस वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम जो था वो था आपका सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वित्त वर्ष 2020-21 हेतु नैसकॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका प्रवीण राव। प्रवीण राव के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, प्रवीण राव जो है अभी इन्फोसिस के COO है। ठीक है, इन्होंने जो पहले जो थे केशव मुरुगेश, जो आपके ऑप्शंस में भी है, इन्होंने केशव मुरुगेश का स्थान लिया, जो कि पहले, मतलब अभी भी वो WNS ग्लोबल सर्विसेज के CEO है। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, ये इंडियन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये IFS हैं 1999 बैच के, और इन्होंने रवीश कुमार की जगह ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, UN रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कितना अनुमान किया गया है? आपके ऑप्शन है 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। देखिए, ये क्वेश्चन आपको करंट से लिंक करते हुए, जैसे मैंने पहले बोला आपको, जो भी पढ़ना आपको करंट से लिंक करते हुए पढ़ना है। पेपर 7 की अभी क्लासेस हमारी चल रही पंकज सर द्वारा, तो उनमें UN का सारे पोर्शन हो गए। अगर आपने स्टडी मटेरियल बना लिया, नोट्स बना लिए, तो इस करेंट अफेयर को आप वहाँ पर ऐड कीजिए कि UN ने, जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर है 4.8, तो वहाँ पे नोट कीजिए कि UN ने भारत के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इतने परसेंट की वृद्धि दर अनुमान किया है। इस आंसर को अगर आप लिखेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने का चांस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है कि जैसे कि 2020-21 के लिए 4.8% दिया है, उसी तरह 2021-22 के लिए इन्होंने 5.1% की वृद्धि दर बताई है। ठीक है, ये अनुमानित होती है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस छात्र ने रोगियों की देखरेख के लिए इंटरनेट से नियंत्रित रोबोट बनाया है? आपके ऑप्शन है हुलास साहू, बी योगेश साहू, सी गगन साहू और डी है आपका पवन साहू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका योगेश साहू। योगेश साहू महासमुंद के निवासी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और इन्होंने यह रोबोट जो है सिर्फ 5,000 की लागत में बनाया है। और यह रोबोट इंटरनेट से नियंत्रित है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कोरोना वाले केसेस में, जैसे तबलीगी जमाती वाला केस पर जो पढ़ने में आता है कि डॉक्टर्स पे वो स्पीड कर दे रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हालिया दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। सरकार को इनको फंड देना चाहिए ताकि ये और भी बहुत सारे रोबोट बना सके। ठीक है, चलिए चलिए आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन से ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है पढ़ाई तुहर अंगना, गुरुजी तुहर द्वार, सी है पढ़ाई तुहर द्वार और डी है आपका स्टडी एट होम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पढ़ाई तुहर द्वार। देखिए, ये एक ऐप नहीं है, ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आपको लॉगिन करना है। www.cgschool.in में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करेंट से लिंक करते हुए पढ़ सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन कौन से
मतलब आपको ये लिखना होता है ना, आपको सब एरिया को टच करते हुए लिखना होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पोर्टल निकाला, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भोजन की समस्या हल करने कौन से अभियान की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है फूड ऑन व्हील, बी होटल ऑन व्हील, सी डोनेशन ऑन व्हील और डी हेल्प एट डोर स्टेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डोनेशन ऑन व्हील। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बनाया कि आप इसको लिंक कर सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई, कौन कौन सा अभियान चलाया। तो एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डोनेशन ऑन व्हील की एक अभियान शुरुआत की, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कितने लघु वनोपज की खरीदी एमएसपी पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 22 और डी 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी 23। देखिए, हाल ही में सरकार ने घोषणा किया है कि फूल इमली जो बीज रहित होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गंगा अमली बोलते हैं, उसको भी सरकार एमएसपी पे खरीदने को राजी हो गए। ठीक है, इससे पहले क्या था, 15 थे, फिर बाद में 7 और ऐड हुए, फिर अभी एक और ऐड हुआ, तो इससे कुल टोटल आपका 23 हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।